यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। खबरें अभी तक के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, वकार आलम तुर्की। आज हम इस खबर पर चर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन रहा, 20 विधायकों को, आम आदमी पार्टी के जो विधायक रहे उनको निर्वाचन आयोग ने सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। राष्ट्रपति की ओर से उस बात पर, उस सिफारिश पर मुहर लगा दी गई है। आलम, क्या लगता है कितना बड़ा कदम ये माना जाए दिल्ली की सियासत के लिए? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की सियासत से ज़्यादा बड़ा कदम ये आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जिन विवादों से घिरी पिछले दिनों चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। दूसरा, अब जो उनके पास ऑप्शन है और जिस तरीके का रास्ता अभी आम आदमी पार्टी ने चुना है इससे बचाव करने का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उन्होंने फिर से रॉन्ग टर्न लिया है। वो इसलिए कि जिस संवैधानिक संस्था ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया या आपके खिलाफ कोई चीज को गलत ठहराया, आप उस संवैधानिक संस्था पर सीधे अटैक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बीजेपी ने कराया है, मतलब एटलीस्ट वो लोग घुमा फिरा के आम आदमी पार्टी वाले जो बचाव कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि बीजेपी ने का किया धरा है, पीछे जो है इसके बीजेपी साजिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से वही रॉन्ग टर्न पकड़ रही है जो पिछले कई बार पकड़ती हुई आई है। सर्जिकल स्ट्राइक में कितना नुकसान उनको उठाना पड़ा सिर्फ एक वीडियो जारी करने की वजह से, और अब फिर से आप संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे से सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि जिन विधायकों को हटाया गया है उनके लिए अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं था तो आप क्यों गए थे राष्ट्रपति के पास ये कहने के लिए कि आप इन पदों को जो है लाभ के पदों से हटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब उस वक्त भी राष्ट्रपति ने आपकी अपील को नकार दिया था, अब फिर से वही चीज है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि अभी जिस सिचुएशन में वो है उसको किस तरीके से हैंडल करना। अभी दो रास्ते उनके पास बचते हैं, पहला रास्ता है कोर्ट का, दूसरा रास्ता है उपचुनाव का। तो कोर्ट का रास्ते अगर वो अपनाते हैं तो 4-5 महीने जितने भी लगेंगे आगे इस प्रोसेस में, उसके बाद अगर इनके खिलाफ फैसला आता तो फिर से उपचुनाव ही होने, और 6 महीने उसमें फिर से ये लोग गवा देंगे, और 3 से ज्यादा साल इनकी सरकार को अभी हो चुके हैं। तो वो टाइम उसी टाइम पे पहुंच जाएगा जब तक उनकी दोबारा चुनाव का वक्त आएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये उन्हें देखना है कि वो उपचुनाव चुनेंगे या फिर कोर्ट जाएंगे। जिस तरह से अलका लांबा आज कहती नजर आई, साफ उनकी ओर से किया गया कि अदालतें हैं देश में, जब सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं है, तो हम भी अदालत का रास्ता अब अपनाएंगे। मानकर चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट पहले वो जाएंगे, वहां भी अगर बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी खटखटाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए उनकी जो अभी तक जितने भी बयान आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे लगता तो यही है कि वो लोग सीधे कोर्ट का रुख करेंगे। उनका पहला कहना यही है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे, बेशक करें, उनका अधिकार है, वो कोर्ट जाएं। लेकिन उन्हें यह तय करना होगा, आम आदमी पार्टी को ये देखना होगा कि अभी जिस लाइन पे वो चल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि जिस तरीके से वो अटैकिंग है अभी बीजेपी के लिए, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को कहीं नुकसान ना पहुंचाए, उनके लिए फिर से घातक साबित ना हो। क्योंकि संवैधानिक संस्था जब आपके सामने आ जाती है तो आप सीधे अटैक कैसे कर सकते हैं? आप एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपको संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी होती है। अपने उस संविधान के दायरे को अगर क्रॉस करते हैं तो जनता भी देखती है और बाकी लोग भी उसे देख ही रहे हैं, सबको समझ में आता है। जनता आज बहुत चालाक हो चुकी है, तो जो भी इस मसले के पीछे की कंडीशंस हैं, जैसे राजस्थान की बात कर लें, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कि वहां जो सीपीएस हैं, वहां संवैधानिक संस्थाएं इतनी एक्टिव नहीं है, कि सीपीएस की जो संख्या है वो दायरे से ज्यादा है, कि लाभ के पद पर वहां भी विधायक बैठे हैं, लेकिन वहां पर निर्वाचन आयोग इतना एक्टिव नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी की बात होती है रविवार को, तमाम इस तरह की जो चीजें, इतना बड़ा फैसला लिया जाता है और आम आदमी पार्टी की ओर से आपने सुना होगा वकार, जिस तरह से कहा गया कि हमें बताया गया था कि राष्ट्रपति दिल्ली में नहीं है, बावजूद इसके हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं, फैसला ये सुना दिया जाता है कि सदस्यता रद्द की जाती है इन विधायकों की। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को मैं यही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को यही तो तय करना है कि जो लड़ने का उनका तरीका है वो सही है या गलत है, क्योंकि जो मैसेज अभी जनता के बीच में जाएगा, जो बैकड्रॉप है वो सबके सामने है ना। जो भी कुछ हुआ है ये पूरे मसले पर बैकड्रॉप तो जनता के सामने है ही, तो जितना आम आदमी पार्टी अटैकिंग होगी कहीं ना कहीं वो बैकड्रॉप उसके भी दिखेंगे, जो बैक शेड्स हैं वो दोनों के दिखेंगे, दोनों ही फैसलों में। अगर सहानुभूति कब मिलती है आपको,
हिंदुस्तान में जो है सहानुभूति आपको तभी मिलती है जब आप कमजोर होते हैं। जब आप कमजोर नहीं होते हैं तो यहाँ सहानुभूति मिलने का बहुत कम चांसेस होते हैं। तो और चुनाव के वक्त में जब आप जाते हैं तो आपको सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो क्या आप वो सहानुभूति ले पाएंगे, वही आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से इस पूरे मसले को उठाना है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को ये खुद से डिफाइन करना चाहिए आके कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस तरीके से हम इस केस को हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, कल भी हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि मामला अदालत का है आलम, लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से हाईकोर्ट पहले भी कह चुका कि जब निर्वाचन आयोग आपका पक्ष सुन चुका है इस मामले को लेकर, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया, फैसला सुना दिया गया। वही संवैधानिक संस्था, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। संवैधानिक संस्था में आप सीधे सवाल उठा रहे हैं, वही गलत हो जाता है। बस आप जब सीधे सवाल से किसी भी संवैधानिक संस्था पर उठा देते हैं, अगर यही संवैधानिक संस्था आपके पक्ष में फैसला दे देती तो क्या दूसरी पार्टी अगर ऐसे सवाल उठाती, क्या आप सवाल नहीं करते? सिर्फ वही चीज है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आप सीधे सवाल अगर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठाए। जिस तरह से कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष हैं अजय माकन, उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी दूसरे चश्मे से देखती है, कांग्रेस दूसरे चश्मे से देखती है कि दो हफ्ते पहले अगर ये फैसला आ जाता तो राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती। अब पार्टी कमजोर पड़ी है तो आपका जो वर्चस्व है पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो मानकर चला जाए कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आरोप तो लगा रही है कि बीजेपी निर्वाचन आयोग के काम को प्रभावित कर रही है, देरी के लिए ही सही। नहीं बिल्कुल, कांग्रेस तो शुरू से, देखिए आप जब से राहुल गांधी ने पद संभाला उससे पहले से भी राहुल गांधी सीधे तौर पर यही कहते आए हैं कि जो है संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली हो गई हैं। ये कहा गया, मतलब घुमा फिरा के ही सही, लेकिन कहा गया। लेकिन बावजूद इसके अगर आज संवैधानिक संस्थाएं आपको कठपुतली लगती हैं तो क्या कल भी थी और क्या कल भी होंगी, इस पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि हो सकता है आज बीजेपी गवर्नमेंट में है, कल कोई और हो, तो क्या उसके भी अंडर में आएंगी? फिर इस चीज का जवाब इन सबको भी देना होगा। तो हो सकता है किसी तरीके से कुछ भी वजहें रही हों। ये सब जानते हैं कि लाभ के पद पे 20 से 21 विधायक अगर आपने बिठा रखे हैं तो वो गलत है। आप कहते हैं कि ये मेरा विशेष अधिकार है। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि इनको रखना मेरा विशेष अधिकार है। कुमार विश्वास ने भी यही कहा कि इनको 20 लोगों को मरवाया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जिद के चलते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मेरा विशेष अधिकार है, मैं कितने सीपीएस रखता हूँ कितने नहीं रखता हूँ। तो अब अंदरूनी लड़ाई एक तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त लड़ ही रहे हैं, एक बाहर से जो फैसले जिस तरह से आपके लिए आ रहे हैं वो भी काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत ये जरूर है कि बहुमत के जो आंकड़ा है बहुमत का, उस पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा कि 46 विधायक अभी भी आपके पास हैं, आपकी सरकार कायम रहेगी भले ही उपचुनाव होते हैं, भले ही अदालत की ओर से कुछ भी फैसला आता है। नहीं देखिए, बहुमत के लिए तो ये सब नहीं है, अगला चुनाव भी लड़ना है और राजनीति है तो राजनीति में रहना है, चुनाव दर चुनाव आपको लड़ने होंगे। अभी हो सकता है आपके पास बहुमत हो लेकिन ये सब चीजें अगले चुनाव पर तो असर डालेंगी। 2019 में जब चुनाव होगा या बाद में जब भी चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं असर तो ये सब चीजें डालेंगी। तो आपको ये तय करना होगा अभी भी कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी इन सब चीजों को भी बीजेपी अपने फेवर में लेके जाती हुई दिख रही है। उसका रीजन ये है कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर आपने सीधे सवाल खड़े किए और उसके बाद एक दूसरी पार्टी सामने से आके ये दिखा देती है, दिखाने की कोशिश करती है कि वो साथ है उस सब के ना, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनके एकदम साथ खड़ी है और ये उसके खिलाफ चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट उसको ये प्लस पॉइंट उन्हीं को दे जाते हैं। दो पक्ष इस मामले में पूरे में नजर आते हैं। एक पक्ष में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रखेंगे क्योंकि दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं कहीं ना कहीं। एक पक्ष आपका है जो कि अदालत का रास्ता अपनाने की बात कर रहा है। क्या लगता है आलम, जो पब्लिक है उसे फिलहाल क्या समझ आता है? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की पब्लिक पे इस सब का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है कि पब्लिक को जो चीज चाहिए उनको नहीं पता कि लाभ का पद क्या था, कैसा था, कितना था। उनको ये लगेगा कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं जो है हो सकता है इन्होंने कुछ पैसे ले लिए हों, कुछ पैसे अपने विधायकों में बांट दिए हों। क्योंकि पब्लिक उतना अंदर से तो देखती नहीं है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि भाई हमने उनको कोई सैलरी नहीं दी, उसके लिए पद बेशक था लेकिन पैसा नहीं दिया। तो ये बात की जांच की क्या विषय है कि पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया, और ये कोर्ट बेहतर जानता है, संवैधानिक संस्थाएं बेहतर जानती हैं, चुनाव आयोग बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या प्रावधान है और क्या कानून में बनता है और किस तरीके से उस पर आगे कार्रवाई होनी है। लेकिन पब्लिक के अंदर जो मैसेज जाएगा वो यही है कि अगर इसमें
अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को बचाने में कामयाब हो गए कि नहीं ये हमने लाभ नहीं लिया इससे, बेशक कानूनी तौर पर हम फंस गए लेकिन हमने इससे लाभ नहीं लिया। तो दिल्ली के जो हालात हैं अभी भी ये लगता है कि अगर उपचुनाव हुए भी 20 सीटों में तो मैक्सिमम सीट्स जो है वह आम आदमी पार्टी ले जाएगी इसमें से, क्योंकि जिस रिगार्डिंग की हम उपचुनाव की बात कर लें, हालांकि स्थिति अलग रही थी, दिल्ली नगर निगम की बात कर लें, वहां बीजेपी मजबूत बन के उभरी थी, क्या लगता है बीजेपी उम्मीद कर सकती है? नहीं, देखिए बीजेपी मजबूत तो हो ही रही है, मजबूत पहले से भी है। जिस राज दरअसल यही है, अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो यही दिक्कत है कि वो जिस राजनीति को लेके आए थे, अगर आप उसी राजनीति पे उसी रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आपके साथ दिक्कत है। आप राजनीति का एक अलग विषय थे, आपको उसी चश्मे से देखा जाता है कि आप सबसे अलग हैं। राजस्थान में बने, मध्य प्रदेश में बने, हरियाणा में बने हैं, होंगे, लेकिन आप उन सबसे अलग हैं। आपने ये कहा था कि आप उन सबसे अलग की राजनीति करने आए हैं तो आपको अलग राजनीति करनी चाहिए। अगर आप उन जैसी ही राजनीति करनी है तो आप विकल्प कैसे, आप विकल्प नहीं है, डिफरेंस आप नहीं हो सकते। साथ ही आलम जिस तरह से अभी कांग्रेस भी जमीन तलाशने में लगी है कि शायद एक मौका मिल सकता है, बीजेपी की भी कोशिशें हैं, लेकिन भीतर भाग जो है आपका जिसे नकारा नहीं जा सकता, कुमार विश्वास के साथ भी करीब करीब 10 विधायक जा सकते हैं, खबरें ये भी है, क्या मुश्किलें बढ़ सकती है आपके? नहीं देखिए, अगर कुमार विश्वास का जहाँ तक लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुमार विश्वास पार्टी छोड़ने वाले हैं या इस तरीके से वो कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर वो भी उसी श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जिस श्रेणी में बाकी राजनेता हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर गोपाल राय हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल या कुमार विश्वास, ये वो लोग हैं जो खुद को राजनेताओं से अलग श्रेणी में रखते हैं। और लोगों ने माना भी, अरविंद केजरीवाल को अगर इतना प्रचंड बहुमत पहली बार में दिया तो लोगों ने माना ना कि हाँ आप एक अलग राजनीति कर रहे हैं। तो वही है, अब इनको ये तय करना होगा। मुझे नहीं लगता कुमार विश्वास वहां जाएंगे या कुछ करेंगे। जी शुक्रिया आलम आपसे बातचीत करने के लिए। तो आलम मेरे सहयोगी मेरे साथ रहे, जिनकी ओर से कहा गया कि इतनी मुश्किलें आपकी नहीं बढ़ेंगी, जो चुनौती रहेगी वो ये रहेगी कि पब्लिक के बीच में आपकी जो छवि है उसको आप बनाकर रखिए। तो आपके सामने एक मुश्किल एक बार फिर से आ गई है, एक विवाद फिर से आपके साथ जुड़ गया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका कुछ सुझाव है इसको बेहतर बनाने के लिए तो सुझाव दीजिए, क्योंकि सुझाव बेहतर बनाता है।